चलो हम फॉर्मूला बताए थे याद है, और आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 19.1। तो सबसे पहले बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला कि साइन का क्या होता है कॉस, कॉस का होता है साइन, स्क्वायर देने का काम टेन कोट। जिंदगी में अगर साइन का कॉस और कॉस का साइन 12 बजे रात उठा के भी पूछेगा तो बता देगा, सब बंदा को पता है कि साइन का कॉस होता है और कॉस का क्या होता है साइन, क्लियर है। लेकिन स्क्वायर कभी भी दिखता है तो बदमाशी कौन करता है, टेन और कॉट। और डबल जब दिख गया तो टेन टेन नहीं करेगा, अगर इस तरह का अगर डबल दिख गया, बात समझ आ रहा है ना, तो टेन तो स्क्वायर देता है, डबल अगर दिखा तो यहां कौन करेगा, से डबलिंग का काम कौन करता है से। अगर कोसेक एक्स गुने कॉट एक्स दिख गया तो यहां पे कॉट तो स्क्वायर देता है, डबल का काम कौन करेगा, बात समझ आ रहा है। और बाद में सी यहां है कि यहां है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बात समझ आ रहा है। अब इतना तो क्लियर समझ में आ गया, इतना हो गया, तो मतलब साइन का क्या होता है कॉस, कॉस का क्या होता है स्क्वायर, अगर दिख गया सेक स्क्वायर एक्स या कोसेक स्क्वायर एक्स तो स्क्वायर देने का काम कौन करेगा, और स्क्वायर देने का काम कौन करेगा, बात समझ आ रहा है। लेकिन सेक का बेस जोड़ा कौन है और कोसेक का बेस जोड़ा, अब हम इतना नहीं जानते, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि साइन का कॉस, कॉस का साइन सबको याद है, लेकिन स्क्वायर देने का काम जो करता है वो कौन करता है, और डबल बनाने का काम, यहाँ टेन दिखेगा लेकिन इसके लालच में मत पड़ जाना, टेन स्क्वायर देता है तो यहाँ डबल जब भी बनेगा तो कौन देगा, क्लियर है। फिर एक बार रिवीजन, साइन का कॉस, कॉस का ये सबको याद है, पूरा हजारीबाग को याद है, स्क्वायर देने का काम टेन को और डबल बनाने का काम, क्लियर है। ट्रिगोनोमेट्रिक कंप्लीट, ट्रिगोनोमेट्री में दो ही याद रखना है, स्क्वायर देने का काम और डबल बनाने का काम, बस खत्म, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला गया। इसके बाद अलजेब्रिक का अगर बात करें तो पावर अगर होता है पावर बढ़ाते हैं, जैसे सपोज एक्स का पावर 100 हो तो एक्स का पावर 101 अपॉन 101, पहला फॉर्मूला अलजेब्रिक का बता रहे। दूसरा, वन का एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो वन का इंटीग्रेशन 100, दूसरा हो गया। तीसरा फॉर्मूला, ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स, इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, ये दोनों सेम ही होता है। और चौथा नंबर, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स लॉग है, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो मतलब अगर यहाँ पे गुना हो रहा है तो इंटीग्रेशन में याद रखना भागा हो जाए, क्या बात समझ आ रहा है। अब पांचवा नंबर, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेकिन वन लॉग का सबको पता है वन बाय एक्स है, तो वन बाय एक्स का क्या होगा, लॉग, कमाड़ी खोलो, कमाड़ी खोलो उसको, बात समझ आ रहा है ना, क्या समझ में आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि बता दो अलजेब्रिक याद हो गया, पावर क्या होता है और वन एक्स का डिफरेंशिएशन, वन का इंटीग्रेशन, ई एक्स का, एक्स एक्स और ई दोनों एक्सपोनेंशियल है, इसमें ई एक्स होता है, इसमें भी यही होगा, लेकिन लॉग ए यहाँ क्या होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का वन बाय एक्स, वन बाय एक्स का लॉग एक्स, समझ आ रहा है ना। फिर एक बार, पावर बढ़ेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन, एकदम बढ़िया सुनो, इंटीग्रेशन बढ़ाते हैं और एक्स का डिफरेंशिएशन वन है तो वन का इंटीग्रेशन, ई एक्स का ई एक्स, डिफरेंशिएशन में लॉग ए गुणा होता है तो यहाँ क्या होगा, और लॉग एक्स का वन बाय, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स, तो जब भी वन बाय एक्स दिखेगा कहाँ से आता है, क्लियर है। और एक बताए थे, अगर जिंदगी में रूट माइनस दिखा है, रूट और माइनस, समझ आ रहा है, तो याद कर रूट और माइनस साइन का होता है, रूट माइनस किसका होता है, लेकिन एक्स्ट्रा नेगेटिव सी देता है, तो मतलब रूट माइनस साइन कॉस का होता है। अगर रूट और माइनस नहीं दिखा, नहीं दिखा रूट और माइनस नहीं दिखा, तो या तो टेन या तो क्या होगा कॉट, लेकिन याद कर एक्स्ट्रा नेगेटिव होगा तब सी होगा, और एक्स्ट्रा नेगेटिव नहीं तो टेन होगा, तो रूट और माइनस का क्या होता है, साइन कॉस, और रूट और माइनस नहीं है तो क्या होगा, क्लियर है फॉर्मूला। आ जाओ क्वेश्चन देख लो, आज हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बहुत दूर तक पहुंचा देंगे, तो इसीलिए फॉर्मूला पहले तगड़ा होना चाहिए, चलते चलते याद है सब,
स्क्वायर टेन कॉट, डबल सेक कोसेक, समझ आ रहा है ना। लॉग का वन बाय एक्स, वन बाय एक्स का लॉग एक्स, समझ आ रहा है। ई एक्स का ई एक्स, एक्स का लॉग एक डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन में क्या होगा डिवाइड। चलो आज पहला नंबर क्वेश्चन ये है, बुतरू वाला क्वेश्चन है, पावर दिख रहा है तो पावर का कॉन्सेप्ट लगाओ, अभी बताए थे पावर आराम से, पावर आराम से क्या करना, बढ़ा देना, क्या बात समझ आ रहा है। तो दो से तीन बाय तीन, यहां भी पावर वन है, तो जब तक पावर दिखेगा बढ़ते जाना है। इसमें एक्स है ही नहीं, तो जहां एक्स नहीं वहां एक्स आएगा, ये भी तो बढ़ रहा है यार, ये भी तो बढ़ रहा है। अच्छा दो से कितना हो गया, एक से कितना हो गया, और जहां कुछ नहीं वहां तो वन तो आया ना। तो याद रखना इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट का एक्स आ जाता है, इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट का, डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट को गाइड करता है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट में एक्स लाता है। अभी हम डिफरेंशिएशन पूछे सात एक्स का, तो ये एक्स गायब हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट में क्या लाता है एक्स, और डिफरेंशिएशन एक्स को क्या करता है। एक तरीका ये हुआ, और दूसरा तरीका अगर दो है तो बढ़ाओ, एक है तो बढ़ाओ, और यहां पे कुछ नहीं है तो एक साथ ही, समझ आ रहा है ना। चलो यहां पे अगर बात करें ए बाहर तीन है बढ़ा दो, जो पावर यहां होगा वही यहां होगा। बी बाहर करो कांस्टेंट, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट क्या होता है बाहर, तीन बट्टे क्या हो गया, समझ आ रहा है। और यहां पे कितना है स्क्वायर बाय कितना हो गया, यहां एक्स नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, डी में एक्स आ जाएगा, प्लस तीन बढ़ाएं दो बढ़ाएं एक बढ़ाएं, और यहां कुछ नहीं था एक्स आ गया, समझ आ रहा है। याद कर ये पावर दिख रहा है बढ़ेगा, देख ले वन बाय एक्स का लॉग होता है, समझ आ रहा है। वन बाय एक्स का क्या होता है, अभी बताए थे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय, लॉग एक्स का, लॉग एक्स का क्या था वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स का लॉग। अब याद कर ए लॉग एक्स हो गया, यहां पे देखो एक पावर एक था तो दो किया, वन बाय एक्स का क्या किया, और जहां एक्स नहीं है वहां एक्स आएगा, क्या बात समझ आ रहा है। और इंटीग्रेशन में सी तो कॉन्स्टेंट आता है, फिर ध्यान से देखो यहां पावर था पावर बढ़ाया, और यहां वन बाय एक्स का क्या होता है, और जहां कुछ नहीं था वहां एक्स आ। अब हम इतना जानते हैं कि जहां कांस्टेंट होगा वहां एक्स आ जाएगा, जहां कांस्टेंट होगा वहां, यहां पावर का काम हुआ, यहां पे वन बाय एक्स का लॉग एक्स, इसका अपना होता है लॉग एक्स, और जहां एक्स नहीं वहां एक्स आ। देखो हल्ला मत करो, थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया, देख लो अभी अलजेब्रिक चल रहा है, और अब अलजेब्रिक के बाद फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आना स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी हम लोग कुछ सीख नहीं रहे। पावर होगा तो पावर बढ़ाना, पावर होगा तो पावर, जहां एक्स नहीं वहां एक्स आएगा, छोटा मोटा चीज सीख रहा है, धीरे धीरे आ जाए। अच्छा ए भी तो पावर है, और जब ये पावर है तो याद कर एक पावर बढ़ाएंगे प्लस वन, और वन बाय थ्री प्लस वन, बात समझ आ रहा है। अगर यहाँ वन बाय थ्री है तो प्लस वन नीचे भी, ये बात समझ में आ रहा। लेकिन पहले क्या होता था ना, जैसे यहाँ पांच होता था तो डायरेक्ट छह कर देते थे, पहले जैसे पांच में एक जोड़ना बड़ी आसान लगता है, लेकिन ये बट्टा बट्टा है। अब बट्टा बट्टा में क्या होता है, तुमको प्लस वन करके ही भिन्न का जोड़ आना था, इसीलिए थोड़ा धीरे जोड़ होता है। याद कर कॉन्स्टेंट सबसे पहले बाहर होगा, यहां भी पावर क्या हो जाएगा एक बढ़ जाएगा, तो ये बट्टा है, डायरेक्ट बढ़ाना मुश्किल है, इसीलिए प्लस वन करना पड़ा। अगर यही तीन होता तो डायरेक्ट चार कर देते, और वन बाय टू प्लस क्या हो गया वन, याद कर ये भी पावर है, थ्री बाय टू प्लस वन, और थ्री बाय टू प्लस प्लस क्या हो गया, याद कर इसको जोड़ेगा तो चार आएगा, एक्स चार बट्टे तीन, और इसको डायरेक्ट तीन बट्टे चार पलट दिया, एक स्टेप चुरा रहे, यहां चार बट्टे तीन होता लेकिन पलट के लिख रहे, क्योंकि एक स्टेप यहां बढ़ा रहे एक स्टेप चुरा ली। याद कर ये एक्स कितना आ गया थ्री बाय टू, और नीचे भी थ्री बाय टू, तो टू पलटेगा, टू पहले वेट कर रहा है, समझ आ रहा है ना। और एक्स कितना हो गया फाइव बाय टू आएगा,
और यहां भी 5/2 होगा तो 2 पलट के क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है, प्लस सी यही बन गया, समझ आ रहा है। अब यहां पे अगर बात करें, अब भागा आ गया तो इंटीग्रेशन का नियम है, अगर नीचे जितना बड़ा टर्म आता है मतलब इंटीग्रेशन उतना टफ है, कोशिश करो कि नीचे हटा के ऊपर लाने का। तो इंटीग्रेशन में अगर ऊपर आ रहा है तो इंटीग्रेशन आसान है, और कहीं अगर नीचे जितना बड़ा बड़ा दिखेगा मतलब इंटीग्रेशन उतना टफ है, तो कोशिश करते नीचे वाला भगाने का। अब आ जाओ, हर बंदा को पता है भागा हो रहा है तो भागा होगा तो भागा करो, गुना होगा तो गुना करना है, तो भागा अगर करेंगे तो यहाँ पे देख लो 2 बचेगा, और इधर भागा करेंगे तो एक्स क्यूब बचेगा, और इधर भागा करेंगे तो एक्स फोर बचेगा, क्योंकि कुछ कटेगा ही नहीं। समझ पा रहा है, होपलेस नहीं हो, बड़ी आसान है, धीरे धीरे मजा आएगा। अब एक बात बताओ, अगर अलग अलग सब में कर दी तो 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 1 में 4 है तो यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ कुछ कटेगा ही नहीं तो 4 बचेगा, समझ आ रहा है। तो सर आप भागा भगा रहे थे, देख रहे भागा उल्टा और आ गया, तो याद रखना जिंदगी में नीचे कभी भी पावर हो तो नीचे का फॉर्मूला नहीं बताया, साफ साफ बात है, हम फॉर्मूला पावर का एक ही बताया, पावर का फॉर्मूला हमें एक ही बताया, सिर्फ एक्स का पावर ऊपर का बताया, नीचे का पावर हम बताएं तो जब भी नीचे का पावर होगा और उसका फॉर्मूले नहीं है तो उसको ऊपर ले जाओ, क्योंकि ऊपर लेगेगा तो ऊपर का फॉर्मूला बताया गया है, लेकिन एक्सेप्ट सिंगल पावर, क्योंकि सिंगल पावर का अपना कोई है इसका लॉग एक्स। तो याद रख लो आज के बाद, नीचे कोई भी पावर हो ऊपर जाएगा, लेकिन सिंगल छोड़कर, क्योंकि सिंगल का अपना वो बोलता है कहां ले जा रहा है जी ऊपर, ये मेरा आदमी, इसका हम देखभाल करते हैं, मतलब लॉग एक्स। तो मतलब अगर सिंगल पावर है तो ऊपर नहीं जाएगा, इसके अलावा दुनिया का कोई भी पावर हो सब कहां जाएगा, क्योंकि ऊपर का ही फॉर्मूला पढ़ा है, और नीचे सिर्फ एक्सेप्ट किसको करना है, सिंगल पावर को छोड़कर। बात समझ आ रहा है, फिर से बात को रिपीटेड कर रहे हैं, देख लो इधर हम क्या बोले, अगर सिंगल पावर है तो इसको ऊपर नहीं लेना है, और दुनिया का कोई भी पावर नीचे हो सबको ऊपर ले जाना है, क्योंकि इसका खुद का अपना फॉर्मूला है लॉग एक्स, तो इसको कहे ले जाएगा, ये बोला मेरा खुद का है तो हमको लेने वाला आ रहा है, नहीं समझा, मेरे को लेने वाला आ रहा है और मेरा है पर्सनल आउट, लेकिन सिंगल छोड़कर अगर कोई पावर है तो उसको कहां जाना पड़ेगा, तो याद कर ये स्क्वायर ऊपर जाएगा, समझ आ रहा है ना, ए भी ऊपर जाएगा, और ए भी कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या बात समझ आ रहा है, ए डी एक्स हो गया, और जब ऊपर हो गया तो ऊपर का फॉर्मूला बड़ी अच्छा बताए थे, एक पावर जोड़, तो याद कर माइनस टू है तो एक पावर जोड़ो, माइनस टू प्लस वन, समझ आ रहा है ना, और माइनस थ्री प्लस वन, क्या समझ आ रहा है। और यहां पे अगर बात करें थ्री, माइनस थ्री बट्टे माइनस थ्री, प्लस क्या हो गया, तो मतलब ऊपर अगर चला गया तो ऊपर का फॉर्मूला बताए, रिलैक्स, ऊपर का फॉर्मूला बताए कि अगर माइनस टू है प्लस वन एड कर देना, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस वन, माइनस थ्री है तो प्लस वन एड करो, माइनस टू, देख लड़का बोलता था पहले बढ़ता था सर, अभी देख रहे घट रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, माइनस तीन में एक जोड़ा तो बढ़ ही रहा है, माइनस तीन कर जाता अब कितना कर जाए, क्या बात समझ आ रहा है। अब वापस हम क्या करते हैं, ये माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं, और जो ऊपर था वो नीचे आ गया, तो एक लड़का बोला अब ए देख लो कट गया, माइनस माइनस सात लेके ही कट गया, तो कुछ नहीं बचा, क्या बचा, अरे कट गया यार, अरे नीचे उतर गया, हुआ प्लस और माइनस, ये माइनस को ऊपर कर सकता, तो तीन खाली कटा, अरे ये कितना हो गया, एक्स क्यूब, समझ आ रहा है, ऐसा होपलेस हो रहा है कि लग रहा है कितना बड़ा पहाड़ क्वेश्चन आ गया है। अब याद कर, एक लड़का बोला हमसे, ए बोला कि सर नीचे को आप ऊपर लिखते हैं फिर देख रहे हैं ऊपर से नीचे ला रहे हैं, हाँ भाई ये तो कर रहे हैं, जब तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ था तब तक ऊपर ले, और जैसे इंटीग्रेट हो गया फिर वापस अपना जगह चला गया ना जहां से आया था। अब एक लड़का बोल रहा है कि सर ऊपर क्यों ले गए, क्योंकि नीचे का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का नीचे का फॉर्मूला, इसीलिए हमको कहां लगना पड़ा, और जब ऊपर ले गए तो ऊपर का फॉर्मूला लगा दिए, और जब लगा दिए तो जो भी नेगेटिव था फिर अपना जगह चला गया जहां से आया था, तो ऊपर क्यों लिखते पता है, क्यों लिखते, क्योंकि नीचे का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो पावर सिर्फ कहां का बताए, तो ऊपर लिख के फॉर्मूला लगा लो, अगर फिर भी नेगेटिव बच रहा है तो जहां से आया था वो चला गया,
मतलब काम हो गया, वो चला गया अपना जगह। अब याद कर, अगर यहां पे स्क्वायर है तो सवाल को समझना, अगर ऐसा होता तो डायरेक्ट 3/3 पावर बढ़ा दिया जाता। मतलब क्या बोल रहे, समझ आ रहा? हमें कॉन्सेप्ट बताए थे, याद कर, बेसिक क्लास में, शुरुआत क्लास में बताए थे, अगर मान लो x प्लस वन है और यहाँ 3 है तो इंटीग्रेशन इसका होल क्यूब में मत तोड़ना, या तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में नहीं तोड़ना, डायरेक्ट x प्लस वन 3 से क्या हो गया 3 बढ़ा देना। समझ आ रहा है? लेकिन ऐसा कब? जब पावर के अंदर 1 हो। लेकिन यहाँ पावर के अंदर क्या है? 1 नहीं, रूट है, और रूट का मतलब होता है 1/2। तो तुम 3/3 पावर बढ़ा, तो पावर कब बढ़ाया जाता है पता चला? जब पावर के अंदर सिंगल पावर होगा तभी बढ़ाया जाता है। अगर यहाँ पे 1 होता डायरेक्ट 3/3 क्या कर देते, 3/3 क्या कर देते, तो पावर कब बढ़ाना है पता चला? तो पावर तब बढ़ाना है अगर यहाँ क्या होता 1, तब डायरेक्ट 3/3 पावर बढ़ा दो। तो पावर कब बढ़ाया जाता है? जब अंदर में क्या होगा, सिंगल पावर। अगर अंदर में अगर कोई और पावर है तो पावर डायरेक्ट नहीं बढ़ेगा, इसको होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा। तो याद कर, रूट एक्स का होल स्क्वायर होगा जी, और प्लस 2, और ए के जम कितना हो गया रूट एक्स, 1/2 कितना हो गया रूट एक्स, समझ आ रहा है ना? और ए क्या हो गया, ए कितना हो गया प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। क्या समझ आया? अब याद कर, ये तो कट जाएगा, डायरेक्ट ऐसे कर दो, नहीं समझ आ रहा कितना ब्रेकेट देगा यार, अरे कितना हो गया dx, ये कट गया ना, जब ये स्क्वायर के थी कट गया, और स्क्वायर के थी भी क्या हो गया कट गया, और ए भी कट रहा है, तो फाइनली कितना आया x प्लस 2 1/x। अब तुमको क्या नहीं आता, सब आता है, पावर एक है तो बढ़ेगा, अरे कहां पावर है, ऊपर है ये पावर, कहां है ऊपर, ऊपर का पावर बढ़ाते हैं, इसमें x नहीं, x आएगा, और सिंगल नीचे जितना पावर है ऊपर उठाते हैं, एक्सेप्ट 1/x, क्योंकि इसको उठाने की जरूरत नहीं, इसका अपना है, इसका अपना फॉर्मूला लो, इसको क्यों उठाते पता है? क्योंकि नीचे का फॉर्मूला ऊपर, इसलिए उठाते, लेकिन इसको उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका खुद का लॉग होता है। तो याद कर, यहाँ पे कितना हो गया स्क्वायर बाय कितना हो गया 2, जहां पे x नहीं वहां x आ गया, और इसका क्या हो गया लॉग x प्लस, बात समझ आ रहा है? तो याद कर, यहाँ पावर बढ़ गया, जहां x नहीं था x आ गया, और 1/x log x, दुनिया में जब भी नीचे का पावर होगा सबको ऊपर उठाना है एक्सेप्ट 1/x, क्योंकि इसका खुद का क्या होता है log x। तो बता दो, यहाँ मेन कॉन्सेप्ट है था। तो हम लोग ना अक्सर क्वेश्चन में 3/3 करते हैं, लेकिन ऐसा तब बढ़ाया जाता है जब अंदर में क्या हो सिंगल, अगर सिंगल नहीं है तो फिर होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा। तो बहुत बच्चा को ये पता नहीं चलता है कब होल स्क्वायर में तोड़ना है और कब डायरेक्ट बढ़ाना है। यही सवाल अगर इस तरह से होता तो डायरेक्ट होल स्क्वायर नहीं तोड़ते, 3/3 डायरेक्ट बढ़ा देते। तो ये पता चला कि कब होल स्क्वायर में तोड़ते हैं और कब डायरेक्ट पावर बढ़ाते हैं। तो याद रखना, जब पावर के अंदर सिंगल होगा तो डायरेक्ट बढ़ा दो, और अगर नहीं है सिंगल तो होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा। फोटो ले, अरे इधर ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, ये होल स्क्वायर अगर ये रूट एक्स नहीं होता, ये रूट एक्स तो डायरेक्ट 3/3। तो एक लड़का बोल रहा है होल स्क्वायर में क्यों नहीं तोड़े, आज तो इसके पहले वाला तो तोड़े थे, क्योंकि अंदर क्या 1 है। अगर ये सवाल होता तो हम डायरेक्ट होल स्क्वायर तोड़ने के बजाय डायरेक्ट 3/3, यही आंसर होता। कब? क्योंकि पावर के अंदर क्या है 1, तो बाहर पावर को नहीं देखना, अंदर अगर 1 है तो डायरेक्ट 3/3 क्या कर देना, बन जाता सवाल। बात समझ आ रहा है क्या बोल? और लेकिन अगर ये अंदर में अगर 1 नहीं है तो फिर होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं। अगर मान लो ये रूट एक्स नहीं होता, रूट एक्स तो डायरेक्ट एक कितना हो जाता, पावर बढ़ जाता, और पावर 2 था तो क्या हो जाता, 3/3। लेकिन अगर रूट एक्स है तब फिर ये अलग चीज हो गया, इसको क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा। तो पढ़ा होगा ए स्क्वायर 2a, b के जन कितना 3, अब प्लस बी स्क्वायर, समझ आ रहा है, अपॉन कितना आ गया रूट एक्स, अरे कितना हो गया डी एक्स, आई बराबर एक्स स्क्वायर 6x प्लस कितना हो गया 9, अपॉन क्या हो गया रूट एक्स,
ए कितना हो गया dx, आगे हम बढ़वे नहीं करेंगे, पहले ऊपर का बात समझ में आया क्या हुआ, क्या समझ में आया? हम बोले अगर ये रूट नहीं होता तो पावर के अंदर कितना है, तो डायरेक्ट 3/3, लेकिन अगर ये रूट आ गया जिसके वजह से ये अलग चीज हो गया, मतलब ई और ई एक साथ अब हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या तोड़ना पड़ेगा, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तोड़ा। तो याद कर, 2 रुपया में आधा रुपया गया, अलग अलग करो, नहीं समझा क्या बोले, अलग अलग करेगा ना जी, तो 1.5 बचा, और 1.5 को नहीं जानता तो उसका डबल कर। अब अच्छा, अब बच्चा जैसा थोड़ी करेगा, ऊपर पावर 2 है नीचे 1/2 है, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, माइनस लेके गया, बेस सेम है, पावर जुड़ेगा, इतना टाइम है तेरे पास, इतना टाइम है, डायरेक्ट दूर कभी खेला है बचपन में, पैसा बिताहुल कभी खेला होगा, बोलता था एक सिक्का 4 बार में फुल होगा, 25 पैसा करके खेलता था, या तो फिर 8 करके खेलता था, 2 बार अगर बिता दिया तो सिक्का उसका हो गया। तो बता दो, 2 रुपया में अगर आधा रुपया गया तो 1.5 बचा, और 1.5 का मतलब नहीं जानता है तो बहुत अच्छे से बता, पहले 1.5 समझ में आया, उसका डबल कर, तो मतलब ये 3 का आधा होगा, समझ आ रहा है, और 1 में आधा गया तो ये तो साफ साफ आधा बचेगा। और याद कर, ए 9 हुआ, और यहाँ पे कोई कटने वाला, तो अभी बताए थे अगर नीचे का अगर कोई भी पावर है तो उसको ऊपर उठा लो, क्योंकि नीचे का कोई फॉर्मूला, पहले बताओ इतना स्टेप समझ में आया, फिर से समझ, 2 रुपया में आधा रुपया गया, 2 रुपया में आधा गया तो 1.5 बचा, और 1.5 का मतलब नहीं जानता है तो सुन लो उसका डबल कर, 3 का आधा, 2.5 का डबल कर, 5 का आधा, 3.5 का डबल कर, 7 का आधा, 3.5 बोलते, तो बता 2 में 1 गया कितना बचा, 1.5, और 1.5 का मतलब 3 का आधा, 1 में आधा जाएगा डायरेक्ट आधा। और याद कर, यहाँ कुछ नहीं कटेगा इस बार, तो यहाँ कुछ नहीं कटेगा ना, तो नीचे पावर मत रखो, उसको कहा उठा लो, लेकिन हाँ सिंगल पावर छोड़कर, अभी भी बोल रहे, तो याद कर पावर बढ़ाएगा, लेकिन ये बट्टा वाला है थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, 3/2+ कितना हो गया 1, और याद कर ए तेरा पावर बढ़ेगा 1, और नीचे क्या हो गया 1/2+1, यहाँ भी पावर बढ़ेगा -0.5+1, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ाते हैं, तनी बट्टा था इसलिए तनी आराम आराम से जोड़ना पड़ा, इधर ध्यान दो, कोई दिक्कत है क्या? तो आई बराबर 2/3, हाउन लगा क्या किया, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर हम आई बराबर अगर बात करें तो 5/2, अरे पलट के 2/5, मतलब ये 5/2 आएगा ना, तो यहाँ पे मत जोड़ना, वही वाला पलट देना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा 6, और x का पावर 3/2, और पलटेगा 2/3, 2/12/3, मतलब 4, समझ आ रहा है ना, अब उतना, अब यहाँ जोड़ेगा तो हाफ बचेगा, बचेगा हाफ, और नीचे हाफ पलटेगा तो पहले से 9 है, तो तेरा कितना हो जाएगा 18+, समझ आ रहा है? ये सवाल देखो अच्छा सवाल है, ये नहीं लग रहा है क्यूब और ये बहुत अलग अलग चीज है, एक क्यूब और क्या है, ये अलग अलग चीज है, अच्छा ये सिंगल पावर है, सिंगल पावर है, अरे बढ़िया से देखना यार, अच्छा क्यूब और स्क्वायर हमको नॉर्मल बताओ, अभी तक तो हम कुछ सीखे नहीं, खाली पावर बढ़ा रहे, जिसमें एक्स नहीं उसमें एक्स आ रहा है, अब नीचे पावर को ऊपर उठा रहे, अभी तक क्या सीखे पता है इतना क्वेश्चन में, कि ऊपर पावर को बढ़ाते हैं और नीचे पावर को ऊपर उठा लेते हैं, 2 चीज, और जिसमें एक्स नहीं उसमें एक्स, इससे ज्यादा कुछ सीखा? याद कर, इस 1 है और यहाँ कितना है, इधर 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 ध्यान दो, इधर ध्यान दो, केमिस्ट्री फिजिक्स है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? तू एक बात बता, क्यूब और 2 ये दोनों में हमको बैठ नहीं रहा है सही, हमको लगता है सिंगल है, इसको तोड़ेंगे सिंगल हो सकता है, तो इसको गुणनखंड करो खत्म हो गया, नहीं समझा क्या बोले सर ये सवाल ना, हम लोग भी 1 साल के बाद बनाते हैं, अरे ऐसा नहीं कि पढ़ के आए थे, खास करके मैथ कभी नहीं पढ़ते, खाली मोबाइल छेड़छेड़ रहते हैं या तो फिर कुछ बुक्स वुक्स अलग अलग चीजें पढ़ना, लेकिन कभी भी हम मैथ नहीं पढ़ते, मतलब कॉन्फिडेंस है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा बना दे, समझ आ रहा है? हो सकता है कोई क्वेश्चन फंसा दे तू 4 मिनट के लिए, लेकिन सॉल्व यही कर दे,
तो वैसा बनाओ ना यार, उतना तो क्वेश्चन हम याद रख पाएंगे। हमको पता है कि क्यूब है, अरे स्क्वायर है, तो ये तो कटेगा नहीं, ये स्क्वायर है, इसको तोड़ के हम सिंगल बना सकते हैं, तो ये सिंगल इससे कट सकता है, और कटा सवाल है। तो याद कर, अगर हम इसका बात करें आई बराबर एक्स क्यूब प्लस कितना हो गया हुआ, तो याद करें कितना आ गया एक्स माइनस टू। एकदम रिलैक्स मूड में पढ़ना है, ब्रदर्स में पढ़ रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट गुणा करो, दो आया। तो याद कर, फैक्टराइज तू लोग अच्छे जानता होगा, मेरे से भी अच्छे, 2x प्लस एक्स, इसीलिए बोले कि तू लोग मेरे से भी अच्छा जानता होगा, ताकि बताने से बच गए। मतलब आई बराबर कितना हो गया एक्स क्यूब प्लस कितना हो गया वन, और ए आया एक्स माइनस टू। नहीं लग रहा है, एक्स कॉमन होगा तो एक्स माइनस टू, और वन कॉमन होगा एक्स माइनस टू, देख लो ऊपर नीचे मिलने लगा, मिल रहा है। अब मिलेगा नहीं यार, नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत है, बनेगा नहीं सवाल, तो जान के देता है सेट करके ना, कि ऐसा दे कि कट जाए ना, तो फिर गरियाएगा हमें को कि साला क्वेश्चन ही रॉन्ग है। अरे कितना हो गया dx, बड़ी प्यार से गया गया। अब आया प्लस, और यहाँ प्लस, अब ये दोनों में लगेगा, समझ आ रहा है, द्विघात समीकरण है, और इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, देख कट गया, तो फाइनली कितना बच गया, समझ आ रहा है, इसे मिटा दो, जगह कम पड़ेगा। ए आया आई बराबर, ऊपर बच गया एक्स क्यूब प्लस वन, और अपॉन क्या हो गया एक्स प्लस वन डी एक्स। मैथ कोई रटने का जरूरत नहीं है, सब स्टेप टू स्टेप दिखेगा, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ क्या था सिंगल, तो हम लोग को पता है कि स्क्वायर को ही तोड़ के सिंगल कर सकते हैं, और ढाई गए हो गया। अब मजा आ रहा है, प्लस है ये भी प्लस है, अब ये दोनों में कटने का चांस है, तो पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, पढ़ा है जी सर, पढ़े तो सब है सर, लेकिन क्या करें एक भी याद नहीं है। तो अगर प्लस है क्या आ गया प्लस, अब ए प्लस है तो सेम लिख दे रहा है, एक बार ए में स्क्वायर, एक बार बी में स्क्वायर, एक बार दोनों को सटा दो, सटाया, और जहां सटता है ना इसका उल्टा यहां होगा, बाकी में सब प्लस होगा, बात समझ आ रहा है। फिर ध्यान से सुनो, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या बोलता है, अगर ये प्लस है प्लस लिख दो, और ए, अब यहां से जब प्लस लिख दिया ना, अब यहां नहीं देखना, यहां देखना है, अगर यहां प्लस है क्या लिख दिया, अगर यहां प्लस है क्या लिख दिया, लिख दिया प्लस, अब यहां देखने का जरूरत, एक बार ए में स्क्वायर, एक बार बी में स्क्वायर, एक बार दोनों को सटा दो, और जहां सटाएगा यहां का उल्टा यही होगा, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस, बाकी सब में क्या होगा। चलो बाबू तोड़ो, तोड़ा तो x प्लस वन हो गया, प्लस है क्या हो गया प्लस, अब वहां नहीं देखना, यहां देखो, एक बार x में स्क्वायर, एक बार वन का स्क्वायर, एक बार दोनों सटाओ, x गुना वन यही हुआ ना, अगर यहाँ प्लस है तो जहां सटाया वहां उल्टा होगा, अपॉन क्या हो गया ले, इसका दो पार्ट था, और दो पार्ट में एक पार्ट ई काटा, अरे भैया इसका कितना पार्ट था, दो पार्ट था, एक ई वाला काटा और एक पार्ट ई वाला काटा, तो कितना हो गया ए आ गया, अरे फाइनल कितना आ गया देख लो, आई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ए डी एक्स हुआ। अब कौन नहीं जानता स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जो नीचे था वो सब हट गया, तो इंटीग्रेशन का रूल है, अगर नीचे अगर है और उसको हटा लिया, समझ आना इंटीग्रेशन आसान है, देख लो नीचे वाला हटा दिए, देख लो कितना आसान है। तो बता पावर बढ़ता है, बढ़ता है, तो यहाँ एक है तो यहाँ भी बढ़ेगा, और जहां नहीं है एक्स वहां एक्स आ जाएगा, पावर पावर है तो बढ़ा, मतलब जहां एक्स है वहां बढ़ा दो, जहां एक्स है वन से टू बढ़ा दो, और जहां एक्स नहीं वहां एक्स छोटे। हाँ अब टाइम बचा हुआ नहीं है, देखते देखते सितंबर बीत गया, और देखते देखते अक्टूबर, सितंबर अगर इतना जल्दी बीत गया, अक्टूबर तो पता नहीं चलेगा कैसे बीता, बात समझ आ रहा है, और नवंबर भी कैसे बीतेगा पता, इसके बाद दिसंबर आ जाएगा, इसके बाद एग्जाम का तैयारी स्टार्ट हो जाएगा, क्या बोले पहले, बात समझ आ रहा है। अच्छा सितंबर आज कितना तारीख हो गया जी, 18 हुआ ना, कि पता नहीं चला कि इस सितंबर में नहीं पता चल रहा है, अक्टूबर तो और अच्छा महीना है,
और वहां पे तुमको पता ही नहीं चलेगा अक्टूबर कब आया और कब अक्टूबर भी खत्म, तब तक दीपावली आ जाएगा, छठ नवंबर भी खत्म, बचेगा क्या दिसंबर और जनवरी में तो छोड़ देना है, जनवरी छोड़ नहीं देना है, जनवरी तो 5-6 तारीख तक छोड़ देना है, जनवरी का गिनती है नहीं, दिसंबर बचा। अब अभी भी सिंसियर नहीं हो रहा, तुमको लग रहा है 2 महीना, कोई महीना नहीं, पता नहीं चलेगा, बात समझ आ रहा है, इसलिए पढ़ा दे रहे, पढ़ ले। अच्छा फर्स्ट वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम आदमी 6 मंथ पढ़ता है, और सेकंड वॉल्यूम वो भी 2-3 मंथ बचल है, और उसमें भी पता चलता है कि खाली छुट्टी चल रहा है। अच्छा अभी बोल रहा था, कोई देखा हो कि इधर बारिश होगा उमच के, जिसके वजह से एक दिन छुट्टी रहा, एक दिन लाइन ही नहीं था, ये तो एक्स्ट्रा 2 दिन हुआ ना, बात समझ आ रहा है। अब बाकी लोग घर गया तो घर ही गया, उसको थोड़ा सा खाली एक खाली सुराग मिलना चाहिए छुट्टी का, तुरंत पहुंच जाएगा, बात समझ आ रहा है। लेकिन 12th भर ये होता है, 12th के बाद खुद सिंसियर हो जाएगा। लेकिन तुमको मतलब मेरा कहने का मतलब ये था बात कि अब टाइम गिनो मत, टाइम नहीं है, बात समझ आ रहा है, वो मेरे को पता है, बताने का जरूरत नहीं, इसीलिए तो बोल रहे हैं, समझ आ रहा है, इसीलिए टाइम एकदम नहीं है। अच्छा सितंबर देखो ना, 5 सितंबर कहिया था याद होगा, देख लो कितना जल्दी 18 हो गया, समझ आ रहा है, 2-4 दिन बीतने दो, इसके बाद बहुत आदमी शॉपिंग वोपिंग में लग जाएगा, समझ आ रहा है, और अक्टूबर मंथ फिर बीत जाएगा बहुत इजी वे, नवंबर भी बीत गया, मतलब सेकेंड वॉल्यूम सबसे हार्ड है, इसको पढ़ना चाहिए 6 मंथ, लेकिन 2 मंथ भी होता है, 2 मंथ भी 3 मंथ है, और उसमें भी खाली छुट्टी का माहौल है, तो बता सेकेंड वॉल्यूम और मोटा है और हेवी, हर चैप्टर हेवी है अपने आप में, एरिया बाउंडेड, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, 3D, बात समझ आ रहा है, तो इसको पढ़ना चाहिए हम लोग को 6-7 में, लेकिन पढ़ते कितना है 2-3 बार, क्या है कि सितंबर में इंटीग्रेशन सब स्टार्ट करता है, अक्टूबर नवंबर खत्म, और उसमें से 2 महीना छुट्टी है, समझ आ रहा है, इसीलिए सेकंड वॉल्यूम खत्म हो जाए। चलो एक बात बताओ, अब हल्ला नहीं करना है ना, आराम आराम से पढ़ना। अच्छा एक बात बताओ, इस सवाल को हम सोल्व कर रहे हैं, हम तेरे साथ सोल्व कर रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट अगर इंटीग्रेशन के साथ होता है ना, तुम नॉर्मल बाहर, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट को बाहर किया जाता है, देख ले, 2 पावर बढ़ाना है, बी बाहर, 1 है पावर बढ़ाना है, तो जहां x से पावर बढ़ाओ, और जहां x नहीं है x को बढ़ाओ, और x बढ़ाना मतलब ऑटोमेटिक यहां भी पावर बना दिया, तो यहां पावर बढ़ाया, यहां भी पावर बढ़ाया, और जहां x नहीं था वहां x आ गया, ऐसे ऐसे तो लोग क्वेश्चन खोजता है ना, ये 2 है पावर बढ़ाओ, ये याद कर 4 है, अरे बढ़ाओ बढ़ाओ देर क्या है, कैसे चिल्लाता है, अच्छा बढ़ रहा है, काम करोगे तो बढ़ेगा भाई, हो गया आगे ले आगे ले। अच्छा एक बात बताओ, एक लड़का की धस ही नहीं रहा है, उसको बुला के नीचे धसाओ, अगर नीचे अगर है तो बोले थे अगर बट्टा है, तो हम लोग का इंटीग्रेशन हमेशा भाग तो सुना करो बढ़िया से, कि अगर बट्टा आ रहा है तभी इंटीग्रेशन टफ है, अगर बट्टा तू हटा लिया ना तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, तो अलग अलग कर दो, बट्टा है तो अलग अलग करो, तो बताओ एक वो एक सुपर बचा एकदम इधर न्यूट्रल हो गया, अरे कटिए नहीं रहा, बोले रे बाबू रे ऊपर चल तू, चल ऊपर ऊपर चल, तो जो कटा कटा, जो नहीं कटा उसको ऊपर उठा ली, माइंड में सेटअप था, जो कटा कटा, जो नहीं कटा यहां पकड़ो रे उठा लो, बात समझ आ रहा है, नीचे दिक्कत हो रहा ऊपर उठा लो, क्या कोई दिक्कत, आ जाओ पहले बताओ, इतना समझ में आया नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, एक हुनार को समझ में नहीं आया कि एक्स कैसे हुआ, अरे हुनार 3 और यहाँ स्क्वायर है तो ऊपर ज्यादा ना है, अरे जानते ऊपर नीचे बराबर कट गया, तो एक लड़का बोलता है यहाँ कट गया, फिर यहाँ काहे काट रहे, अरे भाई तीनों के साथ अलग अलग होगा, अरे कटिए नहीं रहा, तो नहीं कट रहा है, समझ आ रहा, तो ए इसको क्या करो, बोलो चलो ऊपर उठ जाओ, नीचे वाला ऊपर उठाते, बोलेंगे नीचे का कोई इलाज, ऊपर में इलाज करेंगे बढ़िया, चलो समझ आ रहा है, लेकिन एक्स को छोड़ देना, ए लबलब रहा पता चला सबको उठा रहा है, समझ आ रहा है, तो सिंगल पावर छोड़ के सबको उठाना है,
सिंगल पे हाथ नहीं लगाना, उसको हाथ लगाने वाला कौन है? लॉर्ड। तो नीचे कोई भी पावर हो ऊपर उठा लेना, लेकिन एक्सेप्ट सिंगल। अच्छा नहीं लग रहा, बुतरू जैसा आया। अच्छा अगर मैं एक्स से नहीं है, जिसमें एक्स से बढ़ाना है और जिसमें एक्स नहीं उसमें एक्स लाना है। बहुत अच्छा, याद करी, पावर बढ़ाओ। आया? तो एक लड़का बोलता माइनस दू से माइनस तीन होता है, सर मार्च चरपट के माइनस दू प्लस वन करेंगे माइनस वन होगा। और यही चीज क्या हो गया नीचे, समझ आ रहा है? एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया? टू। एक कितना हो गया? फाइव एक्स। बड़ी प्यार से कट रहा है, कटने दो भाई, कट रहा है तो कटने दो। चार है, अब इसको नीचे उतार दिए। एक बंदा का कहना सर आपका कॉन्सेप्ट हमको धस ही नहीं रहा है, कभी ऊपर उठा रहे हैं कभी नीचे ले जा रहे हैं, काम हो गया नीचे चला गया। सिंपल बात है, जब तक काम नहीं होता तब तक ऊपर उठाते, काम हो गया जहां से आया तो वहां चला गया, इसमें भी समझाने की जरूरत है। अब याद कर, आई गया एक कटा जी ले, यहाँ पे कट के एक्स बचा, लेकिन ये कट ही नहीं रहा है, तो जो नहीं कटेगा एक हाथ से उठा लो। आया? इधर ध्यान दे। अब याद कर, एक कटने के बाद क्या बचा? और यहाँ पे नहीं कटा तो ऊपर उठ गया, और हम लोग को नीचे का चीज ऊपर उठा लेते हैं क्योंकि नीचे का कोई रूल, लेकिन सिंगल पावर छोड़ के, क्योंकि नीचे सिंगल का लॉग होता है। बढ़िया से बोले, नहीं समझ में आया? नीचे कोई भी पावर हो ऊपर उठा ले, लेकिन सिंगल, क्योंकि सिंगल का उठाने वाला नहीं है, वो लॉग उठाएगा, तुम हाथों मत लगाना। एक है स्क्वायर बाई कितना हो गया? टू। पावर बढ़ाओ। आया? क्योंकि अगर वन है टू हो गया, तो वन में एक पावर जोड़ो टू, और माइनस टू में अगर एक जोड़ेंगे तो माइनस वन, तो आई बराबर कितना बच गया देख लो, स्क्वायर बाई कितना हो गया? टू। और माइनस माइनस गया, और कोई अगर ऊपर है तो नीचे उतर गया, पता है ना? और खुल के बोल रहे, अगर कोई नीचे है तो उसको ऊपर उठा लो, क्योंकि नीचे का कोई फॉर्मूला, तो ऊपर उठाए तो फॉर्मूला लग गया, और जब काम हो गया तुम बोलो कि तुम जा सकता है जहां से वापस नीचे से आया था नीचे चला गया। हाँ पीछे दिख रहा है, आगे नहीं दिख रहा है? चलो बहुत अच्छा बात। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक देख रहे थे भागा था, और अब आ गया गुना, तो गुना होता है गुना करो, भागा है तो वैसे भागा सामने है, बोल रहे अभी तक हम गए फिर आ गए। चलो बहुत अच्छा है, ये अंदर घुसा रहे क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो घुसा तो देखो कितना आसान लगने लगा, लग रहा है कि नहीं? बात समझ आ रहा है? अब हर एक पहले देखने में अजीब लग रहा था, डर डर लग रहा, लेकिन अब डर नहीं लग रहा, बोल रहा है सला रे तो भाई आसान। ये अंदर गया तो ये काट दिया। अब इतना इजी आ गया कि हर बंदा को पता है कि पावर बढ़ता है, लेकिन कब? ऊपर का। नीचे का हम पावर बढ़ाने नहीं बताए, सिर्फ ऊपर का पावर बढ़ाना। और जहां एक्स नहीं है तो कांस्टेंट में एक्स आ गया। अब ए नहीं लग रहा है, भागा है। अच्छा गुना था तो गुना किए, भागा है तब क्या करें? भाग करेंगे, आज बड़ी प्यार से भागा कर। अच्छा इतना स्टेप नहीं है, हम लोग डायरेक्ट अलग अलग करेंगे। अरे यार अगर मान लो अलग अलग नहीं किए क्या दिक्कत है, तुम काट सकता था। फोर बाई क्या हो गया? रूट एक्स। ऐसा आया? चलो बहुत अच्छा। एक भी रटने का जरूरत है? कोई रटने का जरूरत, मैथ सबसे आसान है। तीन में आधा गया अढ़ाई, और अढ़ाई नहीं बुझाया, अढ़ाई का डबल मतलब पांच का आधा। आया? एक में आधा गया आधा, ये सबको बुझाता है, अरे कट ये नहीं रहा है, तो जो नहीं कटता है बोलो ऊपर चल, तुमको ऊपर दिखाते हैं चलो। नहीं समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? एक, एक तीन में आधा गया क्या हो गया? बढ़िया, देखो तीन में आधा गया अढ़ाई, और अढ़ाई नहीं बुझता है तो अढ़ाई का डबल कर मतलब पांच का आधा, और एक में आधा गया आधा, और जो कट ही नहीं रहा है उसको बोले कि नीचे तुम रहने से कोई फायदा नहीं,
सब कोई ऊपर जा रहा है, तुम भी ऊपर चलो, बड़ी हैवी लगेगा, नहीं समझ आ रहा है, तो इसको भी ऊपर उठा लिए कि चलो। अब बता दो पावर अगर 5 रहता है डायरेक्ट 6x6 बढ़ा देते, लेकिन ये बट्टा वाला पावर तो तुमको 1 जोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे। 5 नहीं ना है जो 6x6 कर देगा, तो 5/2 प्लस क्या क्या है, 5/2 प्लस 1। अब यहाँ पे देखो एक्स 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, अरे तेरा 4 आ गया, -½ प्लस 1, -½ प्लस 1। बहुत अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन निकलते जा रहे हैं, कुछ नहीं किया, सिर्फ पावर एक जोड़ा है। इंटीग्रेशन में जितना जोड़ते हैं वही चीज नीचे डिवाइड होता है, याद कर। इसको जोड़ लेते हैं 7/2, अब हम लोग पास उतना स्टेप नहीं है, डायरेक्ट 7/2 आया तो नीचे भी 7/2 ही आएगा, तो 2 ऊपर और 7 नीचे, पलटते जा रहे हैं। और यहाँ आया 3/2, और यहाँ भी 3/2, तो 2 ए आया, हम लगाओ क्या हुआ, लगा, याद कर, ए 3/2 हुआ और नीचे भी 3/2, तो 2 पलटा तो यहाँ 6 हो गया, और नीचे 3 है, 3 × 2 = 6 ए आया, और ए कितना हो गया, हाँ हुआ ना जी। और यहाँ भी क्या है, हाँ, तो 2 ऊपर पलट के कितना हो गया 8 प्लस। अगर केसी सिन्हा में अगर इतना आंसर नहीं है तो एक चीज और किया होगा, लेकिन यहां तक भी सही है। ये आधा है, ये 1.5 है, और ये कितना है 3.5, तो तुम आधा कॉमन ले सकता है, तो यहाँ आधा कॉमन लेगा तो यहाँ आधा निकल गया, 1.5 में आधा 1 बचेगा पावर, और यहाँ पे 3.5 में आधा निकल गया पावर 3 बचेगा, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा और हाफ भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स का पावर 3, आधा निकल गया 1 और वहां आधा पूरा निकल गया, कुछ नहीं, ऐसे भी कर सकता है। देख लो ये बुतरू वाला सवाल नहीं है, पावर बढ़ाओ 2/3 प्लस 1, और जहां एक्स नहीं एक्स आ गया, तो बता दो जहां पावर था एक बढ़ा दिया, नीचे भी बढ़ा दिए, और जहां एक्स नहीं था वहां एक्स आ गया, तो फाइनली कितना आ गया 5/2, यही ना आएगा जी, और 3/5, 5/3, और यहाँ 5/3 आएगा, 3 पलट गया, और x प्लस कितना आ गया 3। अच्छा भागा था, भागा क्या नहीं लिख रहा है, गुणा है, तो गुणा में पावर एड होता है, 1 में आधा जो x का पावर 1/2 है, और यहाँ x सही है नहीं, तो 1/2 ही रहेगा, यहाँ 1 है आधा है, 1.5 है, 1.5 को बोलते हैं 3/2, नहीं समझ आ रहा बात, हर्ट यार, बुझाता नहीं है क्या, आ जाओ, 3 में आधा गया तो 2.5 बचा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 और आधा, गुना में पावर एड होता है, बढ़ता है, तो 1 और आधा 1.5 है, 1.5 को बोलते हैं 3 का आधा, हाँ। अब बता पावर बढ़ाओ 1/2 + 1, 1/2 + 1, अलजेब्रिक खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक एंट्री लेगा, 3/2 प्लस क्या हो गया 1 प्लस सी हुआ, तो यहाँ पे एक पावर एड कर दिया, यहाँ भी पावर एड, बड़ी प्यार से जोड़ घटाव आता है, एक लड़का ऐसे भीम का जोड़ करता है 1, 1 और 2, 2, मारे चरपट के 2 और 1 3/2, 2/3, और यहाँ कितना आ गया 5/2, और नीचे भी 5/2, तो 2 ऊपर और 5 नीचे प्लस क्या हो गया सी, चलो देख लो। अभी अभी ये सवाल किए हुए थे कुछ देर पहले, ये सवाल क्या था, चलो अभी बताए थे, अगर ए बता दो 3/3 डायरेक्ट बढ़ेगा कि होल स्क्वायर में टूटे, होल स्क्वायर में टूटे क्यों, हाँ अगर ये नहीं रहता 1 रहता तो पावर 3/3 डायरेक्ट बढ़ जाता, समझ आ रहा है, अरे इधर ध्यान दो, ए मान लो रहता 2, और पावर के अंदर, अगर पावर बाहर, पावर नहीं बाहर, पावर के अंदर में अगर 1 है पावर, तो डायरेक्ट तोड़ना नहीं होल स्क्वायर, 3/3 डायरेक्ट पावर बढ़ जाए, लेकिन अंदर में यहाँ पे एक्स नहीं है, रूट एक्स है, और रूट अलग पावर होता है और 1 अलग चीज है, तो अगर पावर बाहर, पावर के अंदर, बाहर वाला पावर के अंदर अगर एक्स का पावर 1 है तब पावर डायरेक्ट बढ़ाते, और अगर ऐसा नहीं है तो होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा, तो पड़ा है ए स्क्वायर एक्स बचेगा, 2ab √x गुना 1/√x,
प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स। ये सवाल हुआ था यहाँ पीछे, ए भी गया, आई बराबर बचा एक्स टू वन बाई एक्स, यही ना बचा जी। अरे कितना हो गया डी एक्स, याद कर ऊपर, ए अगर ये ऊपर पावर है तो पावर बढ़ता है, ऊपर पावर का पावर बढ़ाने सिखा है, नीचे का नहीं, नीचे वाला ऊपर पहले लाओ, जहां एक्स नहीं वहां एक्स आएगा, और नीचे को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन ए सिंगल पावर को कभी नहीं, सिंगल छोड़कर ऊपर ले जाते हैं। हाँ अगर स्क्वायर होता ऊपर ले जा, क्यूब रहता ऊपर ले जा, पावर फोर रहता ऊपर ले जाओ, लेकिन सिंगल नहीं, क्योंकि सिंगल का अपना है लॉग एक्स। ए कितना हो गया, लॉग एक्स प्लस, क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़े लॉग एक्स का वन बाय, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो वन बाय एक्स का क्या होगा, इसका हम पढ़े हुए, याद कर ऊपर पावर बढ़ गया, और जहां एक्स नहीं वहां एक्स आ गया, और वन बाय एक्स का क्या होता है लॉग एक्स। नहीं लग रहा है मल्टीप्लाई है, अरे मल्टीप्लाई है तो भागा बहुत किया, थोड़ा मल्टीप्लाई भी करो, दो और आधा अढ़ाई, और अढ़ाई मतलब पांच का आधा, एक और आधा डेढ़ मतलब तीन का आधा आया, और यहाँ थ्री, और यहाँ ए थ्री है, और एक्स का पावर वन बाय टू ही होगा, वहां बैठ के हल्ला करने ना, अगर हल्ला करना यहाँ आगे हल्ला करो तब मानेंगे तेरे को, बैठ के हल्ला करना बड़ी आसान है। तुम नेक्स्ट आदमी को समझ रहा है, तू बता रहा है कितना पेशेंस लेके बता रहा हूँ, मतलब तुम ना वहां बैठ के हल्ला करना बड़ी आसान है, यहाँ हल्ला करो देखते मुंह से आवाज नहीं फूटेगा, एक आवाज नहीं आएगा, पूछेगा नाम तो बता देगा कुछ और, समझ आ रहा है क्या बोल रहे, दो है अरे कितना आधा, चलो रिलैक्स हो जाओ पहले बात समझ। ऐसे थोड़ी होता है यार कि कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ये एक्सरसाइज पढ़ने के बाद फिर मंथन होगा कि क्या सीखे इस एक्सरसाइज से, ऐसे थोड़ी ये पढ़ा के जा रहे बस खत्म हो रहा है जैसे तैसे, ऐसे यहाँ होता नहीं है, यहाँ बहुत शेड्यूल से खत्म होता है कि हम अगर पढ़े तो पिछला याद है यार, अभी बस बना रहे, और तुमको भी पता है यहाँ ज्यादा कुछ आ नहीं रहा है, खाली पावर ऊपर है बढ़ाना है, नीचे पावर है ऊपर उठा लेना है, एक्सेप्ट सिंगल पावर, क्योंकि सिंगल पावर का लॉग होता है, और जहां एक्स नहीं वहां एक्स आएगा, ऊपर पावर बढ़ाना है, नीचे वाला को बढ़ाना नहीं, पहले ऊपर ले जाना है, और जहां एक्स नहीं वहां एक्स आएगा, इतने तो पढ़िए रहा है, गुणा होना कोई बड़ा चीज है, दो में आधा जोड़ेंगे अढ़ाई होगा, और अढ़ाई लिखने का तरीका है पांच का आधा, एक और आधा जोड़ेंगे क्या होगा डेढ़ होगा, और डेढ़ मतलब तीन का आधा, अब यहाँ एक सही है नहीं, जो है वही वाला रहेगा आधा, चलो पावर बढ़ाए थ्री, अगर तू लोग सीख गया होगा तब डायरेक्ट बढ़ा सकता है, नहीं सीखा है भाई वन करो, एक स्टेप बाद में चुरा लेंगे चलेगा। ए तेरा आया एक्स थ्री बाय टू प्लस वन, थ्री बाय टू प्लस वन, थ्री एक्स वन बाय टू प्लस वन, और वन बाय टू प्लस वन, समझ आ रहा है। तो इंटीग्रेशन में पांच बट्टे दो में एक पावर बढ़ाया, और जो यहाँ आता है वही क्या होता है नीचे, यहाँ जो आता है वही क्या होता है नीचे, तो आई बराबर कितना हो गया एक्स सेवन बाय टू, और ऊपर तीन है और नीचे भी सेवन बाय टू, तो टू पलटेगा छह बट्टे सेवन, यहाँ देखो एक्स आया पांच बट्टे दो, और यहाँ भी पांच बट्टे दो, तो दो पलटेगा चार बट्टे, यहाँ पे देखो थ्री है और यहाँ थ्री बाय टू, यहाँ भी थ्री बाय टू, टू पलटेगा सिक्स बाय थ्री हो जाएगा, टू हो जाएगा, ये पलटेगा छो, और यहाँ तीन हो जाएगा नीचे, तो छो बट्टे तीन दो हो जाएगा, प्लस क्या हो गया सी। चलो ये सवाल बना रहे, नहीं लग रहा एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ ऐसा बच गया, और यहाँ भी ऐसे ही है, अपॉन क्या हो गया एक्स माइनस वन, तो आई बराबर एक्स माइनस वन कॉमन ले लो, लिया कॉमन तो अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वन आया अपॉन एक्स माइनस वन, ये बड़ी प्यार से गया, तो ऐसा चीज बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन ए डी एक्स हुआ, है समझ आया, फिर से समझ, यहाँ देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा था
लेकिन हमको लगा कि यहाँ तीन और यहाँ कितना है, तीन और यहाँ कितना है, तो अगर दो कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स बचा, बचा जी। अरे यहाँ दो कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, और यहाँ क्या बचा, और यहाँ भी वही चीज है। तो देखो पूरा में एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है, पूरा में एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है, और जब कॉमन आ गया तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचा हुआ। और हम बोले थे भागा का सवाल ना जब तक नीचे कोई टर्म हो तो इंटीग्रेशन टफ है, और अगर नीचे वाला टर्म जैसे कट गया तो इसीलिए इंटीग्रेशन में नीचे कभी बचना, कोशिश करो कि किसी तरह से उसको ऊपर, और नहीं ऊपर जा रहा है कुछ काट कटिंग वटिंग करके खत्म कर लो। तो बताओ दो का कितना हो गया जी, आ और जहां एक्स नहीं वहां एक्स, लो अभी होल स्क्वायर किया था है लेकिन यहाँ होल स्क्वायर तो कुछ नहीं, आई बराबर ई रूट एक्स का मतलब क्या हो गया वन बाय टू, और जो नीचे उसको ऊपर उठा लो, ऊपर उठा ए डी एक्स हुआ। खाली बात को सुन रहा है या समझ रहा है, यहाँ होल स्क्वायर था तो तोड़ा होल स्क्वायर, लेकिन क्या वहां होल स्क्वायर है तो नहीं है, तो एक पावर कहाँ है ऊपर है, तो ऊपर पावर का फॉर्मूला बताए लेकिन नीचे का नहीं बताए, तो लेकिन ये बताया है कि नीचे का फॉर्मूला नहीं बताया, बात हम भी मान रहे हैं, तो नीचे का नहीं बताया तो उसको ऊपर ले जाओ, क्योंकि ऊपर का फॉर्मूला अब याद कर। एक कितना आ गया, आई बराबर एक्स वन बाय टू प्लस वन, वन बाय टू प्लस वन, और ए आया माइनस वन बाय टू प्लस वन, माइनस वन बाय टू प्लस वन, पावर जोड़ दिया तो आई बराबर एक्स आया थ्री बाय टू, ए पलट के टू बाई क्या थ्री। यहाँ पे देखो यहाँ अगर जोड़ा कितना आया, दो में एक जाएगा एक बट्टे दो, नीचे भी एक बट्टे दो, दो पलट गया प्लस क्या हो गया सी, जोड़ नहीं आते दो, ऐसे गौर से देख रहा लग रहा कत्ते बड़ा पहाड़ है, दो में एक जाएगा एक और नीचे भी एक बट्टे क्या आया दो, दो ऊपर पलट गया ऐसा हो गया, नहीं समझ आ रहा है। तुम बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वीडियो पढ़ी थी हाँ बताओ क्या होता है बोलो, आई एक्स का तू लोग काय बोल रहा है यार, बोलने दो ना बोलो, आई एक्स का ई एक्स और आगे हो गया पढ़ा, मतलब बिना वीडियो पढ़ले वढ़ले आ गई है, याद कर कांस्टेंट बाहर हुआ, ई शुगर पेशेंट वही होता है, लेकिन बताए थे एक्स के पहले कोई कांस्टेंट और डिवाइड हो जाता है, और जहां एक्स नहीं वहां एक्स आ गया। तो आज सीख लो जो क्लास नहीं किया, अगर सिंगल पावर है और उसके पहले अगर कोई कांस्टेंट है वो एनी हाउ अगर डिवाइड करना है, याद कर आई बराबर एक्स का पावर एक पावर बढ़ा दो, कैसी सीना आदत जानता नहीं है तू लोग, अभी आसान आसान दे रहा अचानक आई बाय ले आएगा, इसलिए मजा उठाना उठा ले फिर एकदम टेंशन वाला आएगा। थ्री बाय टू प्लस वन, थ्री बाय टू प्लस वन शुगर पेशेंट, और सिंगल पावर नीचे का ऊपर नहीं उठाना है, लॉग एक्स प्लस सी हुआ। फिर ध्यान से सुनो, तीन बट्टे दो है, एक पावर बढ़ाया, तो अगर पावर है पावर बढ़ाते हैं, और ई एक्स शुगर पेशेंट होगा, समझ आ रहा है ना, अरे अगर सिंगल पावर है तो लॉग एक्स होता है। आवाज बढ़िया सुना करो, वैसे नहीं होता है, हल्के में भी मत लो, फिर देख लो, पावर अगर है पावर बढ़ाओ, ई एक्स होता है शुगर पेशेंट, डिफेंसेशन भी वही इंटीग्रेशन भी, और नीचे पावर को ऊपर उठाते हैं, लेकिन एक्स है सिंगल पावर क्योंकि इसका लॉग होता है। आई बराबर पावर है पावर बढ़ाओ, नहीं समझ आ रहा, और ई एक्स का क्या हो गया ई एक्स, यही ना हो गया जी, अरे क्या रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस यही तो था, यही ना है। तो याद कर आगे दो बाहर हो गया, और दो है तो पावर बढ़ा दिया, लेकिन ये पावर नहीं है शुगर पेशेंट का वही होता है, प्लस क्या हो गया सी। तो फिर से सुन, यहाँ पावर बढ़ाया, और यहाँ ई एक्स का क्या होता है ई एक्स, नहीं समझ में आया, पावर बढ़ाया और यहाँ क्या दिखा ई एक्स, और ई एक्स होता है शुगर पेशेंट, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, 22 और बढ़ा सकता है। अब आई बराबर कितना हो गया, ए आ गया 5 बाई टू, अरे कितना हो गया 5 बाई टू,
टू एक्स हुआ, बढ़ाने बोला तो हम पूरा बढ़ा दे रहे। अब ये कितना आ गया, टू बाई फाइव एक्स का पावर फाइव बाई टू प्लस टू एक्स लॉग एक्स। अच्छा अभी तक कहीं ट्रिगोनोमेट्रिक आया क्या? खाली अलजेब्रिक चल रहा है, ई एक्स वन बाय एक्स लॉग एक्स, पावर बढ़ा रहा था नीचे तो ऊपर करो, और सिंगल पावर है तो लॉग एक्स। अब आया ट्रिगोनोमेट्रिक, दे लो 38 तक पहुंचा देंगे, लेकिन 33 का पहला या दूसरा है कुछ वो रुकेगा थोड़ा, अगर उसको करेंगे तो फिर हाँ 33 का दूसरा उसको रोक के 38 तक पहुंचा देंगे, लेकिन 33 का दूसरा अच्छा क्वेश्चन है, समझा ना, सुबह वाला बैच में हुआ था, लेकिन इसमें देखते हैं कहाँ तक निकाल पाते हैं। अच्छा इसके पहले अलजेब्रिक सब किया, अब यहाँ से आना ट्रिगोनोमेट्रिक स्टार्ट हो गया। अच्छा अलजेब्रिक में हम लोग क्या क्या सीखे पहले वो सीख, इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में सबको याद है, यहाँ से और मजा आएगा। अलजेब्रिक में बोर कर रहा था बार बार, क्योंकि पावर बढ़ाना है रे यार वो करना है, इसलिए बोरिंग लग रहा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से एकदम इंटरेस्टेड है थोड़ा सा, एक बात बताओ अलजेब्रिक में क्या सीखा, मेरा बात को सुनना। पहला पॉइंट सीखा, अगर ऊपर पावर है बढ़ाओ, अगर नीचे पावर है तो ऊपर उठा के बढ़ाओ, नीचे ऊपर पावर है तो डायरेक्ट, अगर नीचे पावर है तो, अगर ऊपर पावर है तो डायरेक्ट बढ़ाओ, इधर देख टाइम लॉस नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर पावर है जितना पढ़ाओ क्लियर पहले होना चाहिए, अगर ऊपर पावर है डायरेक्ट बढ़ाओ, अगर नीचे कोई पावर है तो ऊपर उठा के बढ़ाओ, लेकिन एक्सेप्ट सिंगल, क्योंकि सिंगल को ऊपर नहीं उठाना, उसका खुद का लॉग होता है। तीन कॉन्सेप्ट क्लियर, ऊपर पावर डायरेक्ट बढ़ाना है, नीचे अगर कोई पावर है तो ऊपर उठा के बढ़ाना है, एक्सेप्ट सिंगल, क्योंकि वन बाय एक्स को कभी ऊपर नहीं उठाते क्योंकि उसका क्या होता है। तो तीन कॉन्सेप्ट हुआ, ऊपर बढ़ाना है, नीचे वाला भी बढ़ाना है लेकिन ऊपर उठा के, किसको नहीं बढ़ा ऊपर लेना है, सिंगल उसका लॉग होता है, और तीसरा था एक्सपोनेंशियल का क्या हो गया, समझ आ रहा है ना, और इसके बाद जहां पे कांस्टेंट वहां पे एक्स ला रहा, यही ना किया। चलो अब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करें। 12 बजे रात अगर उठा के पूछेगा सर साइन का, आराम से कोस बताएगा, कोस का साइन बताएगा। अब सी यहां आया कि यहां आया, या प्लस, अब तुम लोगों को शांत रहना है, समझना है, साइन का सबको पता है कोस, कोस का सबको पता है साइन, अरे कोई कुछ भी नहीं जानता होगा इतना जानता है साइन का कोस, कोस का, समझ आ रहा है। लेकिन याद कर इंटीग्रेशन में सी बाद में दिखेगा वहां माइनस, और डिफरेंशिएशन होता तो शुरू में सी यहां दिखाता, यहां माइनस होता, बता दो शुरू में कहां दिख रहा था, अगर शुरू, अगर इंटीग्रेशन से पहले यहां दिख रहा था तो यहां सी दिखा तो यहां माइनस होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में बाद में सी आएगा तो बाद में इसमें आया कि इसमें, इसमें माइनस होगा। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीनों वीवीआई है, तीनों वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार डालता है, समझ आ रहा है ना, और ये भी क्या है वीवीआई है। अब आ जाओ, अगर इस सवाल को हम बनाए एकदम रिलैक्स मूड में, इसको अलग अलग कर दिए, इसको भी अलग कर दिए, ट्रिगोनोमेट्रिक एंट्री मार दिया है, और हम लोग को याद कर ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए अगर एंट्री मार रहे हैं तो उसका जुगाड़ क्या है, सुन लो, साइन का कोस, कोस का साइन, बस यही ना, स्क्वायर देने का काम टेनर, स्क्वायर देखेगा तो कौन होगा, और डबल दिखेगा तो, अगर इतना आता है तो अब एंट्री मार दिया तब कोई दिक्कत नहीं। ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, सबसे पहले साइन का कॉस, कॉस का दो तो ये सबको आता है, इसको साइड करो, स्क्वायर देने का काम टेन का, यही ना, और डबल जब दिखेगा तो वहां बस सब सब बनते जाएगा। अब याद कर आई बराबर एट उल्टा हो जाएगा सेक स्क्वायर, ऊपर जाएगा कॉस का उल्टा सेक होता है। अब साइन बोला सुनना एक वो कॉस हम खपत कर लेंगे, तो साइन अगर कॉस खपत कर लिया तो ये टेन हो गया, लेकिन एक कोस नीचे एक्स्ट्रा बच गया, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब देख लो आग के सामने जो तू बोल रहा था आ गया, स्क्वायर स्क्वायर टेन या, लेकिन सेक का बेस जोड़ा टेन है, डबल टेन कभी नहीं दे सकता है, टेन कभी नहीं दे सकता है क्योंकि टेन तो स्क्वायर देता है, डबल बनाने का काम, ये समझ में आ रहा है क्या बोले,
नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अलग अलग किया, अलग अलग किया, कंटिन्यू पढ़ाना बहुत टफ है, नहीं समझ आ रहा है। तू लोग को आसान लग रहा है, बैठ के पढ़ने में ऐसा लग रहा है, बताओ। याद कर, कोस का उल्टा क्या हो गया, और साइन कितना कोस को ले लिया। साइन बोला देख दो गो कोस है, एगो तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन एगो फिर भी तेरा बचेगा। बोला तू एगो करना, एगो हम कर ले। कोस का उल्टा क्या हो गया सर? अब बताओ, स्टार्टिंग होने से पहले भी बता रहे थे कि स्क्वायर कभी भी दिखेगा, समझ जाना टेनर को, लेकिन सेक का बेस जोड़ा कौन होता है, नहीं चलेगा। स्क्वायर कभी भी दिखेगा तो टेनर, यही ना दोनों होगा। लेकिन सेक बोला पागल, टेन कोड तो होगा लेकिन मेरा जोड़ा तो सेक होता है, सॉरी सेक का जोड़ा तो टेन, और डबल कभी भी टेन नहीं देता है, टेन तो स्क्वायर देता है, तो डबल जो बनाया होगा ये सेक किया होगा। क्लियर? याद कर, जिसको बोरिंग लगता है क्लास, समझ आ रहा है, वो आया ही मत करो। ये ऐसा हो गया, ऐसे लग रहा है कि मेरा बाप का पढ़ दे रहा है, नहीं समझ आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि मेरा बाप का पढ़ दे रहा है। सवाल है, बहुत बार बार पूछता है, एक नंबर में डायरेक्ट डालता है। बता दो, यहाँ पे स्क्वायर है, पक्का स्क्वायर फीट टेन कोट का बदमाशी किया होगा, बहुत स्पीड में बोल दिया, नॉर्मल बोल गए, स्क्वायर फीट दिखा तो स्क्वायर दिखा होगा। अरे ट्रिगोनोमेट्रिक में छोड़ एक तो दिखता है, साइन का कोस, कोस का साइन, दूगो स्क्वायर दिखेगा, दूगो डबल दिखेगा, साइन कोस, कोस साइन, ये तो साइड करो, दुए याद करना है, दूगो स्क्वायर दिखेगा और दूगो डबल दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा टेन कोट और डबल दिखेगा, से देख रहा कैसे नींद ले रहा है, नहीं हो रहा। स्क्वायर देने का काम, स्क्वायर देने का काम टेन या कोट, लेकिन कोसेक बोलेगा मेरा जोड़ा तो कोट है, आया। और डबल बनाने का काम कोट नहीं करता है, कोट नहीं, कोट तो स्क्वायर देता है, डबल बनाने का काम कोसेक, और सी यहां भी आया प्लस सी, स्क्वायर बनाने का काम टेन, यहां स्क्वायर बनाने का काम टेन कोट, लेकिन कोसेक का बेस जोड़ा कोट और सेक का बेस जोड़ा डबल, यहां कौन बनाया और यहाँ डबल कौन बनाया, तो डबल तो या तो से या तो स्क्वायर टेन, अंदर घुसाओ, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स गुणे क्या हो गया टेन। अच्छा एक चीज देखा, हम कभी भी बोले कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करो। अब एक बात बताओ, हम कभी भी अभी तक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करने बोले, नहीं, सब काम डिफरेंशिएशन से चला रहे। अरे एक बार भी नहीं बोले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला पागल है क्या। आज स्क्वायर तो हम लोग डिफरेंशिएशन में जानते हैं कि टेन कोट होता है, और डबल तो हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े कि डबल बनाता कौन है, खत्म। हम इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला की बात ही नहीं कर रहे। तो बता स्क्वायर यहाँ कौन देगा, क्योंकि टेन या कोट देगा लेकिन सेक का बेस जोड़ा टेन चलता है, स्क्वायर बनाने का काम टेन या कोट, लेकिन तुमको भी पता है सेक का तो कोट नहीं होता है, सेक का बेस जोड़ा टेन होता है, और डबल कौन बनाता है जी, टेन तो स्क्वायर देता है, लेकिन यहाँ डबल जो बनाया होगा एक साथ दो आया होगा, ये पीछा टेन नहीं करता, इस सेक आ गया होगा जो डबल हो गया होगा। तो याद कर, स्क्वायर बनाने का काम और डबल बनाने का काम, क्या समझ में आया, जल्दी फोटो। चलो ए आर ए, ए आर ए देख लो सेम है, और अभी अभी ऐसा क्वेश्चन किया, कोई बात नहीं आराम, रिलैक्स, टेंशन मत लो, बाद में सोचना क्या हो रहा है। वन बाय कोस का उल्टा से हो गया, साइन बोला एगो कोस को हम खा जाएंगे, कोस बोला तो हम बच गए जी, बोला ऊपर आ ऊपर खाएंगे, नहीं समझ आ रहा है। मतलब वन बाय कोस सेक हो गया, साइन एगो अपने है तो खपत कितना कर पाएगा, तो साइन बाय कॉस कितना हो गया, तो एगो नीचे अभी भी कॉस है तो ऊपर गया तो क्या हो गया। याद कर, स्क्वायर या तो टेन, अच्छा से नहीं समझा, स्क्वायर या तो टेन, स्क्वायर देने का काम टेन या कोट करता है, तो सेक बोला रे टेन और कोट तो होगा लेकिन मेरा जोड़ा तो टेन ना है, और डबल कभी भी टेन नहीं करता है, तुम अभी बोला कि स्क्वायर देने का काम टेन करता है, स्क्वायर कौन देता है पता है, टेन, तो टेन यहाँ स्क्वायर देने छोड़ के डबल थोड़ी बनाएगा, ये डबल जो एक साथ दिख रहा होगा, समझ आ रहा है, स्क्वायर बनाने का काम टेन और स्क्वायर बनाने का काम कोट, क्या समझ आ रहा है। तो याद कर, स्क्वायर टेन दिया होगा या तो कोट,
sec का बेस जोड़ा, tan या cotlink cosec का बेस जोड़ा, c है तो sin का cos, sin का cos, लेकिन x के पहले 2 डिवाइड होगा, e का e, x के पहले, समझ आ रहा है? अरे भाई sin x का एक लड़का बोलता है कि सर cos होता, हम भी मान रहे cos होता है, लेकिन x के पहले यहाँ 1 है इसलिए डिवाइड करो ना करो कोई फर्क, लेकिन x के पहले कभी भी कोई नंबर होगा डिवाइड करना इंटीग्रेशन का रूल है, और डिफरेंशिएशन में 2 डिवाइड नहीं होता है, गुणा हो जाता है, cos का sin और 2x का 2 गुणा हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है डिवाइड, x के पहले 3 है यहाँ भी डिवाइड, नहीं समझा sin का, अच्छा sin का फॉर्मूला जो जेन्युइन हो लिखो, sin का क्या हुआ x के पहले जो है क्या किया, e का क्या होता है, e का ये होता है यार, लेकिन x के पहले 3 है क्या किया, आगे बढ़वे नहीं करेंगे, x के पहले कभी भी होगा क्या करना है, x के पहले यहाँ क्या करना है, ए सवाल 2 आया, आया कहा माइनस छोटा, अच्छा हाँ अब बाद में सी दिखता है तो cos का sin ex का ex, आ जाओ अगर ये पावर है पावर बढ़ाओ,